पर आग लगा देगा और ना जाने कब कौन असलाहों के दम पर खौफ भर देगा। अधिकारियों के निकम्मेपन और मिलीभगत ने आज भी यूपी को वहीं छोड़ रखा है जो हाल दशकों से है। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे खनन माफिया के दबंग राज और कमजोर होते योगी राज की। दिखाएंगे आपको वो सच जिसके तले तमाम दावों की हवा निकल जाती है। शाहजहांपुर से बस्ती तक, माफिया राज बोल रहा है। झांसी से बांदा तक, दबंग राज फैल रहा है। ये आपका उत्तर प्रदेश है, यहां जमीन की छाती को चीरा जा रहा है। मानकों को ताक पर रखा जा रहा है। कानून को कुछ नहीं समझते माफिया, अधिकारियों से नहीं डरते माफिया। बड़ा सवाल, ये जंगल राज नहीं तो और क्या? माफिया का खेल, सरकार फेल। इससे पहले कि हम खनन को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली से लेकर अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत का पर्दाफाश करें, सबसे पहले सुनिए मुख्य सचिव क्या कह रहे हैं खनन को लेकर। एक चीज जो आपके संज्ञान में लानी है वो ये कि बहुत सी शिकायतें खनन के संबंध में आया करती थी, वो मिट्टी से संबंधित थी। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मिट्टी के खनन पर जो किसान अपने खेतों से मिट्टी ले जाते हैं और अन्य परियोजनाओं के लिए भी जो मिट्टी की आवश्यकता है, उसको खनन के नियमों से मुक्त कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की कठिनाई जो अपने कार्य के लिए या मिट्टी से जो उपयोग हो रहा था वो समाप्त हो जाए। सचिव साहब नई खनन नीति का जिक्र कर रहे हैं। साहब बता रहे हैं कि खनन की तमाम नीतियों को लागू किया जाएगा, लेकिन ये नहीं बता रहे कि खनन माफिया पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार क्या कर रही है, उनका रोड मैप क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको शाहजहांपुर लेकर चलते हैं और यहाँ की हकीकत से रूबरू करवाते हैं। सच तो ये है कि यहाँ खनन माफिया का माफिया राज चलता है। यहाँ माफिया के गुर्गे हाथ में पिस्टल लेकर कभी भी फायर झोंक देते हैं। यहाँ खनन माफिया और उनके लोग कभी भी महिलाओं पर फब्दियां कस सकते हैं। यकीन नहीं आता तो देखिए इस रिपोर्ट में। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में जंगल राज की तस्वीरें ताजा हो गई होंगी। यही तो है जंगल राज, यही तो है माफिया राज। इस वीडियो में एक तरफ तो बंदूक लहराते खनन माफिया के गुंडे हैं और दूसरी तरफ वो गरीब ग्रामीण हैं जिनकी गुहार सुनने में शासन और प्रशासन और सरकार को सालों लग जाते हैं। गंदी गंदी गाली देने लगे, हम लोग सुबह चले गए पुल पे, लाइन लगाई पुल पे, पुलिस वाले आए, उन लोगों ने हम लोगों को भगाई दो। और यहाँ पर ठेकेदार लोगों से कहे, इन्हें लोगों ने गोली हम लोगों पर चलाई, हम लोगों ने कहा इतने पैसे फेंक दे। गोली चलाई? हाँ, छे, छे, पूरे चलाई। और क्या, छह फायर चलाए? किसी को लगी भी गोली? किसी को किसी लगी नहीं।
माफियाओं को खदेड़ने के नाम पर सरकार बनी, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, उन्हीं माफियाओं की कारस्तानी की तस्वीरें गुंडराज से लेकर जंगलराज और दबंगराज की गवाही दे रही हैं। ये यूपी है योगी साहब, वही यूपी जिसकी सत्ता के आप मालिक हैं। देखिए कौन सा गुंडराज खत्म हो गया है, बताइए कौन से माफिया ने माफियागिरी छोड़ दी है, बताइए सरकार बताइए। और अगर आप नहीं बता सकते तो शाहजहांपुर की इन तस्वीरों को देखिए और समझिए माफिया किस कदर बेखौफ है। ना तो इस बात का जवाब मंत्री अर्चना पांडे दे पाएंगी और ना ही खनन के तमाम मामलों पर नजर रखने वाले बलकार सिंह साहब। इसलिए हमारा सवाल सरकार आपसे है, किस लिए रैलियों में माफियाओं का जिक्र होता था, क्यों बार बार जंगलराज की दुहाई देकर जनता से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की जाती थी, आखिर क्यों, क्या इसलिए? हम लोग कहते हैं सुबह टांगा 2 घंटे के लिए बंद कर दो, जे लोग मानते हैं जर्रा टांगा चलाते हैं। हम लोगों को लेटरिन की बहुत दिक्कत है, गंदी गंदी गाली देने लगते हैं। हम लोग मना करते हैं जो रेता भरने आते हैं। हाँ, जो रेता भरने आते ठेकेदार आ जाता तुरंत, हम लोग मना कर। अच्छा, आज सुबह क्या हुआ था? आज सुबह जो हुए हम लोग मना करेंगे तो वे लोग बोले जो चौकीदार है कि तुम लोग ज्यादा लफड़ा करोगे फिर हम उल्टा लफड़ा तुम लोगों को कर देंगे, इधर नदी में आओगी। तस्वीरें शाहजहांपुर की हैं, जहां गुस्साए ग्रामीणों ने अवैध खनन माफिया और उसके गुर्गों को खदेड़ने की कोशिश की। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद अब आपको समझ आ रहा होगा कि किस कदर बंदूक से फायरिंग कर ग्रामीणों को डराया गया। बेखौफ खनन माफिया के गुर्गों को ना तो पुलिस का खौफ था और ना कानून का, वो बेखौफ होकर फायर पर फायर झोंकते रहे। पीएम मोदी ने देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने का सपना देखा है, लेकिन ये गरीब और मजबूर लोग क्या करें जिनकी सुनने के लिए अधिकारियों के पास टाइम नहीं है, जिनके पास शौचालय बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, और जब ये महिलाएं बाहर शौच के लिए जाती हैं तो सोचिए इनके साथ क्या होता है। अगर आप नहीं सोच सकते तो इन महिलाओं से खुद सुनिए। इन्हें लोगों ने हम लोगों को रपटा, बहुत पुलिस बुलाई दे, पुलिस वाले आए जो मिलो बंदा उसे पकड़ो लड़के, बहुत इन लोगों से मरवाओ, इन महिलाओं ने लगातार हो रही छेड़खानी का विरोध किया। इन महिलाओं के साथ माफिया के गुर्गे लगातार छेड़खानी करते थे, शौच को जाते वक्त इनके ऊपर फप्तियां कसी जाती थी। इन लोगों ने काफी विरोध किया, लेकिन हालात देखिए, खनन माफियाओं ने कई राउंड फायरिंग की और ग्रामीणों को डराने की कोशिश की। गनीमत तो ये रही कि इस फायरिंग में किसी को कोई चोट नहीं आई। जब खनन माफियाओं ने फायरिंग की तो ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया। गुस्साए ग्रामीणों ने खनन माफियाओं को सबक सिखाने की ठान ली। माफिया के गुर्गों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और ये सब इन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि ना तो सरकार ने इनकी सुनी, ना अधिकारियों ने, ना पुलिस ने। भ्रष्टाचार में डूबे अधिकारी इनकी सुनते नहीं, पुलिस भी माफियाओं का साथ देती है, कैसे सुनिए। पुलिस ने उन्हीं लोगों ने कही, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों को धमकाया कि तुम लोग नहीं जाओगे मार खाओगे, लेडीज पुलिस बुला देंगे। शाहजहांपुर कोतवाली के अजीजगंज इलाके में खनन माफिया और ग्रामीणों के बीच हाथापाई की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। यहां महिलाओं का आरोप था कि अवैध खनन करने वाले दबंग लोग महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, विरोध करने पर अभद्र व्यवहार करते हैं, उन्हें गालियां दी जाती हैं, और जब माफियाओं का विरोध किया गया तो दबंगई का नज़ारा सामने आया। फिलहाल जिला प्रशासन का कहना है कि पट्टे की जमीन पर खनन किया जा रहा है और मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इन महिलाओं को भी तो सुनिए। क्या करेगा रुपया को, हम लोगों का
समस्या है, उस समस्या को हल करना चाहते हैं हम लोग, पैसा क्या करेंगे। गंज का मोहल्ला मुहाल बस्ती बेगम है, वहाँ पर इनका लीगल पट्टा खनन का हुआ है और यहाँ पर सुबह सूचना मिली थी कुछ महिलाओं ने आके घेर लिया। उनके कुछ निजी ऐसे ही सुबह जैसे शौचालय में खुले में जाना होता है, क्योंकि सीसीटीवी की निगरानी में ये खनन हो रहा है, इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो जो उनके द्वारा मुद्दे कुछ उठाए गए हैं कि हमको नहीं मिल रही है, और चूँकि लीगल हुआ है इसके लिए जाँच करके निर्णय लिया जाएगा। अभी फिलहाल वे महिलाएँ अपने घर चली गई हैं, जाम खुलवा दिया गया है, शाम को वार्ता है तो उनको बुलाया गया है, वो लोग वार्ता के लिए शाम को 5 बजे वार्ता रखेंगे। SDM साहब ने माफियाओं को बातचीत के लिए बुला लिया है, उन माफियाओं से ये साहब बातचीत करेंगे जो खुलेआम फायरिंग करते हैं, ग्रामीणों को डराते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को अपने पैंट की जेब समझते हैं। अब सवाल तो सरकार आपसे है, ये क्या हो रहा है? मंत्री अर्चना पांडे, सवाल आपसे भी है, कौन सा अवैध खनन रुक गया है? और खनन के MD बलकार सिंह साहब, सवाल आपसे भी है, ये कौन सी नई नीति है जो सूबे में माफियाओं के खौफ को बढ़ा रही है? तमाम सरकारी दावों की निकली हवा अब आपके सामने है। अधिकारी ड्यूटी कर नहीं रहे, ग्रामीण विरोध करते हैं तो फायरिंग हो रही है, अब कौन रोकेगा इन दबंग माफियाओं को? सवाल बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। बस्ती में खनन माफियाओं के खौफ का आलम ये है कि प्रशासन से लेकर पुलिस और सरकार तक उनके आगे नतमस्तक हो गए हैं। कोई खनन को रोकने की कोशिश नहीं करता, लेकिन खनन को बढ़ावा देने में तमाम लोग लगे हुए हैं। जब ग्रामीण इसका विरोध करते हैं तो खनन माफिया और उसके गुर्गे उन्हें हथियार दिखाकर डराने की कोशिश करते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। यहाँ जो है अवैध बिना पैमाइश के जो है बालू खनन हो रहा है। गांव बह जाएगा, सब हमारा गांव है महुआ पार कला, सारे लोग बह जाएंगे सब गांव पर, और 40-45 फुट से ज़्यादा 35-40 फुट की गहराई खना जा रहा है। यहाँ भी खनन माफियाओं की दबंगई का शोर है। ना कोई आदेश काम आता है, ना कोई सख्ती। यहाँ सरकार की मंशा को फेल किया जा रहा है। खनन माफियाओं का खेल और सरकार कैसे है फेल, बस्ती की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। दोवलिया थाने के बर्दिया लोहार घाट पर घाघरा के बीच में बालू भरे बोरे, बोल्डर और मिट्टी से इस पार से उस पार जाने के लिए रास्ता बना दिया गया है। कलकल बहने वाली घाघरा की धारा को रोक दिया गया है। करीब 1 किलोमीटर की चौड़ी नदी के बहाव को आधा दर्जन ह्यूम पाइप लगाकर समेट दिया गया है, और इसलिए ये घाघरा नदी अब नदी कम नाला ज़्यादा लगती है। कई बार माफिया की शिकायत की गई, जब किसी ने सुध नहीं ली तो ग्रामीणों को प्रदर्शन और नारेबाजी के लिए मजबूर होना पड़ा। सर, जब ठेका हुआ राम नरेश चौधरी का तो मैंने 2-3 बार आया तो उनसे कहा, प्रमुख जी हमारा यही नंबर है। प्रमुख जी का ठीक है प्रधान जी, हम बता देंगे आपको, जब खोदा जाएगा बता देंगे। उसके बाद में सर, जब उसके बाद में जब खोदा जाएगा तो हम बता देंगे। उसके बाद में हमने आया, प्रमुख ने कहा कि ठीक है, दे देंगे पैसा हम तुमको, पैसा हम कहें हमको नहीं लेना है। उसके बाद में वो जबरदस्ती खुदा ली। उसके बाद में हमें जब रोकने आया तो 10 लोग का 4 राइफल उधर से आती थी। उसके बाद में छुपाई मार के हमने घर चला गया। जिन नदियों को बचाने की बात तो केंद्र सरकार करती है, उन्हीं नदियों के दुश्मन बन गए हैं उत्तर प्रदेश के माफिया। यहाँ माफियाओं ने नदी को 2 भाग में बांट दिया है और इसमें बनाए गए रास्ते से 24 घंटे दोनों तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक से बालू की ढुलाई का काम लगातार जारी है, और प्रशासन को ये सब दिखाई नहीं देता। लेकिन उसके बाद सुनिए विरोध करने वालों के साथ क्या होता है। उन्हें असलाह दिखाया जाता है, उन्हें डराया जाता है।
4 जनवरी से ये अपना उद्घाटन किए हैं और तब से ये बालू खनन अवैध तरीके से कर रहे हैं। इनका बालू जो है ये ठीका तो इनका वैध हुआ है, लेकिन ये बालू को भी अवैध रूप से खन रहे हैं। इनका मानक जो है बहुत अधिक होगा, तो हम जानते हैं कि 5-6 फीट, और जो ये गांव की जनता की जमीन है उसको अवैध तरीके से बगैर पैसा दिए हुए ये खन रहे हैं। अगर हम लोग बोलते हैं तो असलाहा दिखाते हैं कि हम लोग जो है ब्लॉक प्रमुख 9-10 लोग हैं। ये कलवारी थाना अंतर्गत घाघरा नदी के महुआ खुर्द के दोनों खंड घाट से करीब आधा किलोमीटर पहले ही बालू के लिए खेती की जमीन को चीरा जा रहा है और खुदाई का ये सिलसिला ऐसा चल निकला है कि 1 मिनट नहीं रुकता। और अब जब खेती की जमीन आप ढूंढने जाएंगे तो ढूंढ नहीं पाएंगे, अब आपको जमीन नहीं यहाँ तालाब मिलेगा। गंगा की सहायक नदी घाघरा में भारत सरकार द्वारा संरक्षित डॉल्फिन के साथ ही मगरमच्छ और घड़ियाल भी रहते हैं। एक आदेश के मुताबिक इन सबको रिजर्व जोन मानकर इन जीवों के संरक्षण की योजना बड़े स्तर पर चल रही है, लेकिन दोबोलिया में प्रकृति के विपरीत बीच में रास्ता बनाकर नदी को 2 भाग में बांट दिया गया है, जिससे अनमोल जलीय जीवों की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई है। यहाँ जो है अवैध बिना पैमाइश के जो है बालू खनन हो रहा है। हाँ, गांव बह जाएगा सब। हमारा गांव है महुआ पार कला, सारे लोग बह जाएंगे सब गांव पर। और 40-45 फुट से ज्यादा 35-40 फुट की गहराई खना जा रहा है। शिकायत को सुनने के बाद अब समझिए प्रशासन क्या करता है। प्रशासन खाना पूर्ति के नाम पर छापेमारी करता है, थोड़ा सा जुर्माना लगाकर खनन माफियाओं के आगे घुटने टेक दिए जाते हैं, जबकि खनन नीति के हिसाब से खनन की एक गलती पर 5 लाख का जुर्माना लगाया जाता है और 3 बार अवैध खनन पाए जाने पर पट्टा निरस्त करने तक का प्रावधान है। लेकिन खनन निरीक्षक, पुलिस, DM और ठेकेदारों की चौकड़ी से पट्टे की आड़ में बालू खनन का खेल बस्ती में तेजी से चल रहा है। जब ग्रामीणों ने धरना दिया तो प्रशासन की आंख खुली है और प्रशासन इस मामले में कार्रवाई की बात कर रहा है। कार्रवाई कब होगी कोई नहीं जानता, क्योंकि इससे पहले भी प्रशासनिक खानापूर्ति को ये लोग देख चुके हैं। 1 महीने में ये बालू माफिया ने एकदम तोड़वाट दिए, जो कि SDM, DM सारे अधिकारी आए और रोड को देखते हुए गए। हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से भी उड़ाए, लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने तमाम एप्लीकेशन, लगभग हम जानते हैं कि जिला प्रशासन के पास सैकड़ों एप्लीकेशन पड़ा होगा, और जब ये धरने पे बैठने का न्यूज सुने हैं तब ये लोग आनन फानन में भाग के आए हैं। और ये लगता ये भी है कि ये जो आए हैं अधिकारी, ये पहले मिलजुल के आए हैं। जैसे कि ये पता लगा कि पहले लोग यहाँ बालू खनते थे और अधिकारी के आने के समय में ये लोग अपना पुकलैंड को नदी में लुकवा दिए और ये जो है तालाब में लुकवा दिए। ये लगता है कि बस्ती जिले के शासन और प्रशासन सब मिले जुले हैं। खुलेआम कानून और मानकों की धज्जियां उड़ाने वाले खनन माफिया अब भी मौज में है। उन्हें प्रशासन से लेकर पुलिस सबका सहयोग मिल रहा है और सरकार प्रदेश में माफिया राज के बेदम होने का स्वांग रच रही है। सवाल है कब रुकेगा ये सब, कब अधिकारी माफिया की ड्यूटी न कर जनता और सरकार की ड्यूटी करेंगे, और आखिर कब तक खुलेआम ये माफिया राज चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। इलाहाबाद में भी हालात जुदा नहीं है। यहाँ भी माफियाओं का खौफ इस कदर है कि वो किसी को भी जिंदा जलाने से नहीं हिचकते। इलाहाबाद में बालू खनन को लेकर विवाद इतना बड़ा है कि दबंगों ने एक युवक को जिंदा जलाने की कोशिश भी की, उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दिया। देखिए ये रिपोर्ट। योगी राज में भी माफिया का खौफ। ये माफिया नहीं, जल्लाद है। आदमी को जिंदा जलाने की कोशिश। महिला के पति को दबंग माफिया के गुर्गों ने जिंदा जलाने की कोशिश की है, उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसके विरोध की सजा दी गई है। जिस माफिया राज को खत्म करने के तमाम दावे हैं, वही माफिया राज लोगों के लिए खौफराज बन गया है। इलाहाबाद के एक अस्पताल में राम बाबू को भर्ती कराया गया है। खनन माफियाओं की दबंगई का ये चौंकाने वाला मामला सामने आने के बाद सुशासन के दावों की हवा निकल गई है और माफिया राज का डंका आज भी बोल रहा है। पास में
दूसरे खाट पे, उनके खाट पे लेट गए, बिना बताए चले गए अपने घर। इसके बाद कोई फोन किया उनके पास कि जल गए, तो आकर हमारे यहाँ नहीं फोन किया, मेरे हस्बैंड के पास दो मोबाइल थी, तब इसके बाद दूसरे के यहाँ संदेश दे के जल गए हैं और इसके बाद अस्पताल लेके आए। घर पे सोचना देना चाहिए ना। विनोद पाठक से थोड़ा 2-4 दिन 10 दिन हुआ उनसे बहस हुई थी। हाँ बाबा बालू के चक्कर में हुआ था। पूरा मामला हड़िया के बड़ौद चौकी क्षेत्र के भिटियापुरा टेला गांव का है। यहां एक ही गांव के रहने वाले राम बाबू यादव को दबंगों ने जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि वो बच गया और अब मौत से लड़ रहा है। परिवार वालों का आरोप है कि आए दिन बालू खनन को लेकर झगड़ा होता रहता था। 2-3 बार पहले भी आपस में कहा सुनी हुई थी, लेकिन दबंग ऐसा कर देंगे सोचा नहीं था। पास में दूसरे खाट पे, उनके खाट पे लेट गए, बिना बताए चले गए अपने घर। इसके बाद कोई फोन किया उनके पास कि जल गए, तो आकर हमारे यहाँ नहीं फोन किया, मेरे हस्बैंड के पास दो मोबाइल थी, तब इसके बाद दूसरे के यहाँ संदेश दे के जल गए हैं और इसके बाद अस्पताल लेके आए। घर पे सोचना देना चाहिए ना। राम बाबू अपने घर में सो रहा था, उसी दौरान दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। राम बाबू के ऊपर दबंगों ने मिट्टी का तेल डाला और फिर उसे आग लगा दी। बाकी हकीकत तो आपके सामने तस्वीरों में है। खबर मिलने के बाद बड़ौद चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और राम बाबू को इलाहाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस इस मामले में क्या कर रही है कोई नहीं जानता। हमने पुलिस से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। सवालों में सरकार है, सवालों में माफिया राज है, और सरकार की मंशा से लेकर अधिकारियों की कारस्तानी भी है। अब ऐसे में क्या होगा ये सोचना होगा। क्या इसी तरह सूबे में माफिया राज चलता रहेगा? क्या इसी तरह दबंग लोगों की जान के दुश्मन बने रहेंगे? और असल बात तो ये है कि ये माफिया राज सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।